हार्दिक बताइए आज आप राष्ट्र हित, प्रदेश हित, जन हित एवं समाज हित के इस भगीरथ कार्य में आगे बढ़ने के लिए आज से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र सेवा का काम चल रहा है उसमें छोटा सा सिपाही बनकर काम करने के लिए आज से एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि राम सेतु के इस कार्य में या जनहित के इस कार्य में या राष्ट्र हित के इस कार्य में जितनी भी मेरी जिम्मेवारी होगी, मेरी जितनी जिम्मेवारी तय की जाएगी उस हिसाब से माँ भारती की सेवा में, सरदार और गांधी के इस गुजरात की सेवा में और जिन समाज ने हमें इतना बड़ा बनाया है उनकी सेवा में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करेंगे। हार्दिक पटेल पॉलिटिक्स में रहेंगे क्या, आप एक्टिव पॉलिटिक्स में जाएंगे बीजेपी में जाके? देखिए स्वाभाविक रूप से आज तक हमने कहीं पर भी पद की लालच में किसी भी प्रकार की मांग कहीं भी नहीं रखी। हम पहले ऐसा राजनेता होंगे कि जहां से हमने जिस पार्टी को छोड़ा है वहां भी वर्क मांगते हुए हमने पार्टी छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का जब दोपहर 12 बजे के बाद हिस्सा बनेंगे वहां भी काम करने की परिभाषा के साथ जुड़ रहे हैं और मुझे निश्चित रूप से ये सौभाग्य मिलेगा कि जब पूरा गांव किसी हवन में ओम के नाद से जब स्वाहा करता हो तो कहीं ना कहीं हमें उस स्वाहा में बैठना चाहिए। और मुझे भी ये लगता है कि देश हित में जब सब लोग साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ या नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ रहे तो मेरा भी ये काम होना चाहिए, मेरा भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि मुझे भी उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में आपकी तरह सोचने वाले और कोई लोग हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे? जो कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस में आप थे बीजेपी में आपको वो स्थान मिलेगा? देखिए स्थान की चिंता कमजोर लोग करते हैं, मजबूत लोग कभी स्थान की चिंता नहीं करते। और मुझे भरोसा है कि जहां काम करने की जगह मिलती है वहां मजबूत और कमजोर के बीच में ये फैसला तय या फासला तय नहीं किया जा सकता। हम मजबूत है या कमजोर वो तो आप लोगों के आने से हमें पता चल गया है। आपके साथ विधायक कांग्रेस के या कोई बड़े नेता आने वाले दिनों में भाजपा जा सकते हैं? बहुत जल्द हर 10 दिन में एक इवेंट तैयार करेंगे जिसमें कांग्रेस पार्टी से जो नाराज विधायक है, जिला पंचायत या तहसील पंचायत के सदस्य है, निगम नगर निगम के जो सदस्य है उनको जोड़ेंगे। और मुझे भरोसा है कि जिस जनता को सेवा के इस भगीरथ कार्य में जहां कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार का काम करना नहीं चाहती वहां पर मैं आपके माध्यम से गुजरात के उन सभी दूसरे दल के नेताओं से आह्वान करता हूं कि आइए सब साथ मिलकर हमारे गुजरात के व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस राष्ट्र की सेवा में अपना कार्य अविरत आगे चला रहे हैं तो उसमें हम लोगों को जुड़ना चाहिए। और मेरा यही मानना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात का अभिमान थे, मोरारजी भाई देसाई गुजरात का स्वाभिमान थे और नरेंद्र भाई सिर्फ गुजरात का नहीं लेकिन संपूर्ण विश्व का गौरव है। तो ऐसे समय में इस गौरव के साथ जुड़ना चाहिए। थैंक यू। प्लान कर रहे हैं आप कोई डायरेक्ट प्लान कर रहे हैं? क्योंकि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को काफी सारा क्रिटिसाइज करते थे, अब आप बीजेपी में जुड़ रहे हैं। सत्ता के सामने जब लड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि सत्ता के सामने लड़ते हुए जनहित का काम किया जा सकता है। आप एक एडिटर है तो स्वाभाविक है आप अपने मालिक से ही बात करेंगे, दूसरे चैनल के मालिक से तो बात करने नहीं जाएंगे ना। तो जनता होती है वो सत्ता से बात करती, सत्ता से मांगती है। बेटा होता है वो बाप से मांगता है, पड़ोसन के वहां नहीं जाता। थैंक यू। हार्दिक आप कोई रैली प्लान कर रहे हैं आप लोग बीजेपी में आने के बाद? देखिए आज कम से कम पूरे प्रदेश से 10-15 हजार साथी आएंगे, उसके बाद निश्चित रूप से बड़ी रैली भी करेंगे। उस रैली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाएंगे। मैंने कहा कि जिस पार्टी में हम जा रहे हैं वहां हम शिस्त में मानते हैं और कांग्रेस में जब थे तब भी हम मानते थे, लेकिन कांग्रेस के नेता शिस्त में मानने की बात तो छोड़िए, वो अपनी पार्टी के नेताओं को काम देने का काम नहीं करते थे। तो मैं जहां जाऊंगा वहां जिस काम का हिसाब मुझे मिलेगा उस हिसाब से काम करूंगा और निश्चित रूप से आपको तो सबसे ज्यादा पहले पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूं, मुझे कौन सा काम देने वाले हैं, मुझे क्या जिम्मेवारी मिलने वाली, वो आपको मेरे पहले पता चलेगा। थैंक यू।
દરેક સમાજ કે રાજનૈતિક જીવન ની અંદર દરેક વ્યક્તિ નો એક ઉદ્દેશ હોય છે કે રાષ્ટ્રની સેવા થાય, પ્રદેશની સેવા થાય, જનતાની સેવા થાય, સમાજની સેવા થાય. અને આ ચારે મુદ્દાની સાથે આજે એક નયા અધ્યાયની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં ચાલી રહેલા રાષ્ટ્ર સેવાના ભગીરથ કાર્યમાં રામ સેતુની ખિસકોલી બનીને આ સેવામાં સહયોગ આપવાનો પ્રયાસ કરીશું. આજે નિવાસ સ્થાને માં દુર્ગાનું પૂજન એટલા માટે કે રાજ્યના સુખાકારી માટે, જનતાની સમૃદ્ધિ માટે આજે માં દુર્ગાને પ્રાર્થના કરીએ કે સૌનું કલ્યાણ થાય. અને અહીંયા પછી એ ઘરની નજીક જ SGBP ગુરુકુલ છે, જ્યાં રામ શ્યામ અને ઘનશ્યામની મૂર્તિનું પૂજન કરીશું, ગૌ પૂજન કરીશું. ત્યારબાદ ગાંધીનગર કમલમ ખાતે પાર્ટીનો ખેસ ધારણ કરીને રાજ્યના હિત માટે વધુ સારી સેવા કેમ કરી શકાય એના માટેનો પ્રયાસ કરીશું. ભરોસો છે કે સારું કામ કરીએ એટલે ઘણા બધા લોકોનો સહયોગ મળે. અને જાહેર જીવન હોય કે સમાજનું હોય કે રાજકીય જીવન હોય, આ તમામ પરિબળોની અંદર તમે નેતૃત્વ કરો એટલે સફળતા પણ તમારા માથે હોય ને નિષ્ફળતા પણ તમારા માથે હોય. એટલે જે પણ કંઈ કામ કરીશું એમાં સફળતાના શિખરે પહોંચીને જેમ બને તેમ જનતાનું કેમ વધુ સારું કરી શકાય એવો પ્રયાસ કરીશું. મોટી સંખ્યામાં રાજ્યભરમાંથી લોકો આવશે, પાર્ટીમાં સામેલનો કાર્યક્રમ મારો જ છે. પણ એ પછી દર 10 દિવસે રાજ્યની અંદર જે લોકો રાષ્ટ્રીય હિતના કામમાં જોડાવા માગે છે અને જે લોકોને કોંગ્રેસ પાર્ટી કે અન્ય પાર્ટીઓ પર ભરોસો નથી, એવા તમામ સાથીઓને, તમામ તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, ધારાસભ્યો, સંગઠનના હોદ્દેદારો, એ તમામ લોકોને માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં રાષ્ટ્રીય સેવાના ભગીરથ કાર્યમાં જોડવાનો પ્રયાસ કરીશું. જે લોકો સમયાંતરે કોંગ્રેસની પરિભાષા સમજશે, જે લોકોને એવું લાગશે કે કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં જનહિતનું કોઈ પણ પ્રકારનું કામ નથી થતું, ત્યારે ચોક્કસ લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેજા હેઠળ ચાલી રહેલા ભગીરથ કાર્યમાં જોડાશે. ગુજરાતની અંદર અસંખ્ય એવા ધારાસભ્યો છે, જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, નગરપાલિકાના સભ્યો છે, સંગઠનના હોદ્દેદારો છે, જે જાણે છે, સમજે છે કે અમારે વધુ જો જનતાનું કામ સારું કરવું હશે તો એક સારા નેતૃત્વની અંદર આવવું પડશે. અને નેતૃત્વ યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી હોય, મક્કમ ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ હોય, જેપી નડ્ડા સાહેબ હોય, અમિતભાઈની સાથે સાથે ગુજરાતની જે મજબૂત જવાબદારી નિભાવી છે ભૂપેન્દ્રભાઈ, CR પાટીલ સાહેબ, આ બધા જ નેતૃત્વમાં ગુજરાતના સૌ લોકોને જોડવાનો પ્રયાસ કરીશું. અને મેં કહ્યું એ રીતે કે રાષ્ટ્ર સેવાના ભગીરથ કાર્યમાં રામ સેતુની ખિસકોલી બનવાનો ચોક્કસ પ્રયાસ કરીશ.